What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 14 दिसंबर 2020 मंडे है, सुबह के 8:46 हो रहे हैं। पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। निफ्टी एक्सट्रीम बुलिश जोन में इस वक्त है, ऑल टाइम हाई के पास है और आज के निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये फ्राइडे का पिक्चर है, यानी 11 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,529 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,459। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन होते ही इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया और जैसे ही ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, इसने फर्स्ट टारगेट 13,554 ये अचीव किया, सेकेंड टारगेट 13,564 ये भी अचीव किया। फिर एक बार जब यह टूवर्ड साउथ की तरफ आया, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके जो बाउंस बैक किया, उसमें भी इसने फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट को भी अचीव किया। एग्जैक्ट सेकंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और टूवर्ड जैसे ही यहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी तो एक्सट्रीम टूवर्ड साउथ की तरफ इसने एक मूव दिखाकर जब भी है साउथ की तरफ आया तो ब्रेकडाउन लेवल 13,459 अचीव होने के बाद फर्स्ट टारगेट 13,444 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 13,422 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया। ये लेवल क्यों आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि एक दिन पहले यानी थर्सडे को यहाँ पर काफ़ी देर इसने इस लेवल को पेनेट्रेट किया था और सपोर्ट टेस्ट करके ये बाउंस बैक दिखाया था। सेम उसी लेवल के पास इसने फ्राइडे को भी सपोर्ट टेस्ट किया और फिर से एक बाउंस बैक देखने की, एक फिर से टूवर्ड्स अपवर्ड रैली दिखाने की कोशिश यहाँ पर इसने की। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 नॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली। फ्राइडे को अमेरिकी बाजार देखे तो वहाँ पर भी हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स भी लाल निशान में बंद हुए थे फ्राइडे के दिन। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी फिर से एक बार पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। निक्केई भी 170 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 178 पॉइंट की मजबूती यहां पर फिर से एक बार दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट एशियाई बाजार खासकर पॉजिटिव इस समय देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी जो लास्ट स्विंग हाई लो मिला था इसको पकड़ के हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। तो अभी 13,550 के पास ये एक हर्डल फेस कर रहा है। ये वीकली चार्ट है। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो लास्ट तीन दिन इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा है। ये तीन दिन से इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है। और RSI देखें डेली और वीकली चार्ट में तो दोनों में भी ये 70 से 100 ये इस ओवरबॉट जोन में ये पहुँच चुका है। तो काफ़ी एक्सट्रीम बुलिश कंडीशन है इस समय। अगर निफ्टी यहाँ से भी ऊपर की तरफ अगर बढ़ता है इस लेवल 13,550 को ब्रेक करके तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल यहाँ पर हो सकता है 13,714 यानी 13,700 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी 13,550 के ऊपर आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो। कंटिन्यू यहाँ पर देखें तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट में, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो बन रहा है। जैसे कि हमने इसको स्टडी प्रोग्राम में देखा है, इस पैटर्न को बेसिक पैटर्न है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो यहाँ पर ये बुलिशनेस कंटिन्यूस हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो 13,240 के आसपास हमें सपोर्ट देखने मिल सकता है एज़ पर वीकली चार्ट। अगर डेली चार्ट की हम बात करें तो तीन दिन यहाँ पर इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो ही हमें ऊपर की लेवल 13,700 के आसपास निफ्टी पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज यहाँ से करेक्शन आता है तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर होगा 13,250 के आसपास और नेक्स्ट यहाँ पर ये 20 EMA यानी 13,066 के पास निफ्टी इंडेक्स आता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो ये लेवल्स है, आने वाले कुछ दिनों में अगर इन लेवल्स को कंफर्टेबली ये ब्रेक करता है ऊपर या आइदर ये नीचे की तरफ तो हमें नेक्स्ट इन दो लेवल्स को यहाँ पर आते हुए निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं देखते हैं।
आर्ली चार्ट है ये 60 मिनट का। अगर इस कैंडल को देखें तो प्रॉपर हैमर कैंडल स्टिक बना हुआ है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। लेकिन जहाँ से फ्राइडे के दिन ये फॉल आया था, यानी ऑलमोस्ट 13,569 लेवल के पास, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,585। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,602। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स निफ्टी साउथ की तरफ आता है तो ये पिवट पॉइंट का पहला सपोर्ट होगा, उसके बाद ये पिंक लाइन जो है 20 EMA का, आप देख सकते हैं थर्सडे को किस तरह से इस पिंक लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया था, लगातार 4 घंटा इस लेवल को ये 20 EMA को ये पेनेट्रेट कर रहा था, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाया। तो अगर 20 EMA यानी ये जो पिंक लाइन है ये अराउंड अभी 13,474 के पास है, इसके नीचे अगर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,456। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,442। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।